महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने 36 सालों तक हस्तिनापुर में राज किया। पांडवों के राज के दौरान ही श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये सब देखकर पांडवों और द्रौपदी ने भी शरीर के साथ स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग में जाने के लिए निकल गए, लेकिन ये सभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाए और पांचों पांडवों में से बस युधिष्ठिर ही स्वर्ग के रास्ते पर चल पाए। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि दुर्योधन जैसा पापी वहां पहले से ही मौजूद था। ऐसे में सवाल आता कि पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चले, फिर भी उनको स्वर्ग क्यों नहीं नसीब हुआ और पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर को ही क्यों स्वर्ग मिला। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध दुर्योधन की मौत के बाद खत्म हो गया। ये युद्ध इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल के ऐशो आराम रास नहीं आए। उन्हें महल में अकेलापन महसूस होने लगा और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए दोनों ने राजमहल छोड़ दिया और अपने जीवन के आखिरी पलों तक जंगल में रहे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते श्री कृष्ण भी पांव में एक तीर लगने के बहाने अपनी लीला समाप्त कर चले गए। पांडव उस समय शान से हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। 36 साल तक राजसी जीवन बिताने के बाद पांडवों को ये भी एहसास होने लगा था कि धरती पर उनका काम पूरा हो गया और पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। युयुत्सु को पूरे राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित किया और महर्षि वेद व्यास से आज्ञा लेकर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े। लेकिन स्वर्ग की इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने लालच में अपने गांडीव धनुष और तरकश को नहीं छोड़ा था। यात्रा के दौरान पांचों पांडव कई नदियों पहाड़ों और समुद्रों की यात्रा करते हुए लाल सागर पहुंचे तो वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम भी तब तक पूरा हो चुका था। अग्निदेव को गांडीव और तरकश देने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे बढ़े, जहां एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। जब पांडवों ने इस कुत्ते की वजह जानी तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता उनका वफादार है, इसलिए उनके साथ चल रहा है। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। उत्तर दिशा से पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया। रास्ते में आगे चलते वक्त पांडवों ने बालू यानी रेत के समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। आगे चलकर बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए मुश्किल हुआ और इसीलिए भीम ने एक चट्टान को नदी के बीचों बीच डाल दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया। कहा जाता है कि माना गांव में सरस्वती नदी की शुरुआत में आज भी वो चट्टान मौजूद है, जिसे वर्तमान में भीम पुल के नाम से जाना जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी एक जगह पर लड़खड़ाते हुए गिर गई, जिसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी और इसीलिए वह स्वर्ग पहुंचने से पहले लड़खड़ा कर गिर गई। ये कहकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को देखे बिना अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी गिर गया। तब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वत्ता पर घमंड था, जिसके चलते वो किसी को अपने बराबर नहीं समझता था, इसलिए सहदेव की यह दशा हुई। इसके बाद आगे चलकर नकुल भी गिर गया और वो भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। जब भीम ने इसका कारण पूछा तब युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल का अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड था, इस वजह से वो भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। थोड़ी आगे चलकर नकुल के बाद अर्जुन भी गिर पड़ा, जिसका कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर बहुत घमंड था और उसने कहा था कि वो एक ही दिन में अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण है कि आज उसकी हालत हुई है। सभी भाइयों के पापों के हिसाब देते हुए युधिष्ठिर उस कुत्ते और अपने भाई भीम के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी एक जगह भीम भी गिर पड़ा। तो भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम खाते बहुत ज्यादा थे और अपनी शक्ति का झूठा दिखावा करते थे, यही कारण है कि तुम आज इन हालातों में हो। इसके बाद अब सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही बचे थे। अपना सफर पूरा करने के बाद दोनों ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे। तब उन्हें दरवाजे पर देवराज इंद्र मिले।
देवराज इंद्र को अपने सामने देखकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उनके चारों भाई और द्रौपदी यात्रा के बीच में गिर गए थे, उन्हें भी अपने साथ ले आइए। इसके बाद इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी शरीर छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुंच गए, और जबकि युधिष्ठिर को अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने का मौका मिला है। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि ये कुत्ता उनके साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसके बाद युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि ये कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर नहीं माने तो कुत्ते के रूप में वहां मौजूद यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए, जिस कुत्ते को युधिष्ठिर पूरे रास्ते अपने वफादार समझ रहे थे वो असल में यमराज थे। युधिष्ठिर की अच्छाई और सच्चाई को देखकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए, जिसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन भी दूसरे देवताओं के साथ स्वर्ग में एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। युधिष्ठिर ने जब इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में झूठ और अधर्म का साथ दिया था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से हिचकिचाहट के बिना अपनी हार को सामने देखते हुए भी जिस बहादुरी से युद्ध किया था, उस पराक्रम और साहस की वजह से ही आज उसे यह पद मिला है। युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी वहां नहीं है, तब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा कि उनके भाई और द्रौपदी को जिस लोक में जगह मिली है उन्हें भी इस लोक में स्थान चाहिए, अपने भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को एक देवदूत के साथ भेज दिया। देवदूत के साथ चलते चलते युधिष्ठिर एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जहां बहुत अंधेरा था और चारों तरफ से बदबू आ रही थी। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे और उनके आसपास पड़ी हुई लाशें थी। रास्ते की मुश्किलों से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उन्हें इस रास्ते पर आगे और कितनी दूर चलना है। इसके जवाब में देवदूत ने कहा कि दरअसल वो लोग असिपत्र नाम के नरक के रास्ते पर है। देवदूत ने बताया कि देवताओं ने इसे आदेश दिया है कि जब आप चलते चलते थक जाएं तो मैं आपको वापस ले जाऊं, इसलिए अगर आप थक गए हैं तो हम वापस चलें। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर वापस जाने को मुड़े तो उन्हें वहां पर दुखी लोगों की आवाजें आने लगी, जो उन्हें वहीं पर रुकने के लिए बोल रही थी। युधिष्ठिर ने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भीम बताए। ये सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम वापस चले जाओ, मगर मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देवदूत ने बात स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को बताई और कुछ देर बाद देवराज इंद्र खुद उस जगह पर पहुंच गए जहां युधिष्ठिर मौजूद थे। जब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से पूछा कि ये सब क्या है तो देवराज इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर देकर धोखे से आचार्य द्रोण का वध कराया था, उसी की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए धोखे से नरक में समय बिताना पड़ रहा है और अब उन्हें स्वर्ग चलना है जहां उनके भाई पहले से मौजूद हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में नहाकर मानव शरीर को छोड़ दिया है और दिव्य रूप धारण कर लिया है और उसी रूप में स्वर्ग पहुंच गए जहां अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि वहां पर उनके भाइयों के साथ साथ श्री कृष्ण और द्रौपदी भी मौजूद हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायु देवता के पास बैठे हुए थे, कर्ण सूर्य के समान तेज धारण किए हुए थे और नकुल, सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे हुए थे। इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि द्रौपदी का जन्म भगवती लक्ष्मी के अंश से हुआ था। अपने सभी अपनों को स्वर्ग में देखकर युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों ये थी पांचों पांडवों की स्वर्ग जाने की कहानी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।